श्री विष्णु पुराण आठवां अध्याय सूर्य नक्षत्र एवं राशियों की व्यवस्था तथा काल चक्र लोकपाल और गंगा विर्भाव का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे सुव्रत, मैंने तुमसे यह ब्रह्मांड की स्थिति कही, अब सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति और उनके परिमाण सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य देव के रथ का विस्तार 9000 योजन है तथा इससे दोना उसका ईशा दंड अर्थात जुआ और रथ के बीच का भाग है। उसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है, जिसमें उसका पहिया लगा हुआ है। उसके पूर्वाहन, मध्यान और पराहन रूप 3 नाभि, परिवत्सर आदि 5 अरे और षड ऋतु रूप 6 नेमि वाले अक्षय स्वरूप संवत्सरात्मक चक्र में संपूर्ण काल चक्र स्थित है। 7 छंद ही उनके घोड़े हैं। उनके नाम सुनो, गायत्री, बृहती, उष्णक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। ये छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे गए हैं। हे महामते, भगवान सूर्य के रथ का दूसरा धुरा 45,500 योजन लंबा है। दोनों धुरों के परिमाण के तुल्य ही उनके युगार्धों अर्थात जुओं का परिमाण है। इनमें से छोटा धुरा उस रथ के 1 युगार्ध अर्थात जुए के सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है और दूसरे धुरे का चक्र मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। इस मानसोत्तर पर्वत के पूर्व में इंद्र की, दक्षिण में यम की, पश्चिम में वरुण की और उत्तर में चंद्रमा की पुरी है। उन पुरियों के नाम सुनो, इंद्र की पुरी वसवो कसारा है, यम की सयमनी है, वरुण की सुखा है तथा चंद्रमा की विभावरी है। हे मैत्रेय, ज्योतिष चक्र के सहित भगवान भानु दक्षिण दिशा में प्रवेश कर छोड़े हुए बाण के समान तीव्र वेग से चलते हैं। भगवान सूर्य देव दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण हैं और रागादि क्लेशों के क्षीण हो जाने पर वे ही क्रम मुक्ति भागी योगी जनों के देव यान नामक श्रेष्ठ मार्ग है। हे मैत्रेय जी, सभी द्वीपों में सर्वदा मध्याह्न तथा मध्य रात्रि के समय सूर्य देव मध्य आकाश में सामने की ओर रहते हैं। इसी प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरे के सम्मुख ही होते हैं। हे ब्रह्मन, समस्त दिशा और विदिशाओं में जहाँ के लोग रात्रि का अंत होने पर सूर्य को जिस स्थान पर देखते हैं उनके लिए वहाँ उसका उदय होता है और जहाँ दिन के अंत में सूर्य का तिरोभाव होता है वही उसका अस्त कहा जाता है। सर्वदा एक रूप से स्थित भगवान सूर्य देव का वास्तव में न उदय होता है और न अस्त होता है, बस उनका देखना और न देखना ही उनके उदय और अस्त है। मध्याह्न काल में इंद्र आदि में से किसी की पुरी पर प्रकाशित होते हुए भगवान सूर्य देव पार्श्वव्रती 2 पुरियों के सहित 3 पुरियों और 2 कोणों अर्थात विदिशाओं को प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार अग्नि आदि कोणों में से किसी एक कोण में प्रकाशित होते हुए वे पार्श्वव्रती 2 कोणों के सहित 3 कोण और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। सूर्यदेव उदय होने के अनंतर मध्याह्न पर्यंत अपनी बढ़ती हुई किरणों से तपते हैं और फिर क्षीण होती हुई किरणों से अस्त हो जाते हैं। भगवान सूर्य के उदय और अस्त से ही पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं की व्यवस्था हुई है। वास्तव में तो वे जिस प्रकार पूर्व में प्रकाश करते हैं उसी प्रकार पश्चिम तथा पार्श्वव्रतनी अर्थात उत्तर और दक्षिण दिशाओं में भी करते हैं। सूर्यदेव देव पर्वत सुमेरु के ऊपर स्थित भगवान ब्रह्मा जी की सभा के अतिरिक्त और सभी स्थानों को प्रकाशित करते हैं। उनके जो किरणें भगवान ब्रह्मा जी की सभा में जाती हैं, वे उनके तेज से निरस्त होकर उल्टी लौट आती हैं। सुमेरु पर्वत समस्त द्वीप और वर्षों के उत्तर में है, इसीलिए उत्तर दिशा में मेरु पर्वत पर सदा एक और दिन और दूसरी और रात रहती है।
रात्रि के समय सूर्य देव के अस्त हो जाने पर उनका तेज अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है, इसीलिए उस समय अग्नि दूर से ही प्रकाशित होने लगता है। इसी प्रकार हे द्विज, दिन के समय अग्नि का तेज सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, अतः अग्नि के संयोग से ही सूर्य देव अत्यंत प्रखरता से प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार सूर्य देव और अग्नि देव के प्रकाश तथा उष्णतामय तेज परस्पर मिलकर दिन रात में वृद्धि को प्राप्त रहते हैं। मेरु के दक्षिणी और उत्तरी भूमध्य में सूर्य के प्रकाशित होते समय अंधकारमय रात्रि और प्रकाशमय दिन क्रमशः जल में प्रवेश कर जाते हैं। दिन के समय रात्रि के प्रवेश करने से ही जल कुछ ताम्र वर्ण दिखाई देता है, किंतु सूर्य अस्त हो जाने पर उसमें दिन का प्रवेश हो जाता है। इसीलिए दिन के प्रवेश के कारण ही रात्रि के समय वह शुक्ल वर्ण हो जाता है। इस प्रकार जब भगवान सूर्य पुष्कर द्वीप के मध्य में पहुंचकर पृथ्वी का 30वां भाग पार कर लेते हैं, तो उनकी वह गति एक मुहूर्त की होती है, अर्थात उत्तरी भाग के अतिक्रमण करने में उन्हें जितना समय लगता है वही मुहूर्त कहलाता है। हे द्विज, कुलाल चक्र अर्थात कुम्हार के चाक के सिरे पर घूमते हुए जीव के समान भ्रमण करते हुए यह सूर्य देव पृथ्वी के 300 भागों का अतिक्रमण करने पर एक दिन रात्रि होते हैं। हे द्विज, उत्तरायण के आरंभ में सूर्य देव सबसे पहले मकर राशि में जाते हैं, उसके पश्चात वह कुंभ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। इन तीनों राशियों को भोग चुकने पर सूर्य देव रात्रि और दिन को समान करते हुए वैश्ववती गति का अवलंबन करते हैं, अर्थात वह भूमध्य रेखा के बीच में ही चलते हैं। इसके अनंतर नित्य प्रति रात्रि क्षीण होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण कर मिथुन राशि से निकलकर उत्तरायण की अंतिम सीमा पर उपस्थित हो वह कर्क राशि में पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करते हैं। जिस प्रकार कुलाल चक्र के सिरे पर स्थित जीव अति शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में अति शीघ्रता से चलते हैं। अतः वह अति शीघ्रता पूर्वक वायु वेग से चलते हुए अपने उत्कृष्ट मार्ग को थोड़े समय में ही पार कर लेते हैं। हे द्विज, दक्षिणायन में दिन के समय शीघ्रता पूर्वक चलने से उस समय के 13.5 नक्षत्रों को सूर्य 12 मुहूर्तों में पार कर लेते हैं, किंतु रात्रि के समय मंदगामी होने से उतने ही नक्षत्रों को 18 मुहूर्तों में पार करते हैं। कुलाल चक्र के मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण के समय सूर्य मंद गति से चलता है। इसीलिए उस समय वह थोड़ी सी भूमि भी अति दीर्घ काल में पार करते हैं। अतः उत्तरायण का अंतिम दिन 18 मुहूर्त का होता है। उस दिन भी सूर्य अति मंद गति से चलते हैं और ज्योतिष चक्रार्ध के 13.5 नक्षत्रों को एक दिन में पार करते हैं, किंतु रात्रि के समय वह उतने ही 13.5 नक्षत्रों को 12 मुहूर्तों में ही पार कर लेते हैं। अतः जिस प्रकार नाभि देश में चक्र के मंद मंद घूमने से वहां का मृत पिंड भी मंद गति से घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिष चक्र के मध्य में स्थित ध्रुव अति मंद गति से घूमते हैं। हे मैत्रेय, जिस प्रकार कुलाल चक्र की नाभि अपने स्थान पर ही घूमती रहती है, उसी प्रकार ध्रुव भी अपने स्थान पर ही घूमते रहते हैं। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिणी सीमाओं के मध्य में मंडलाकार घूमते रहने से सूर्य देव की गति दिन अथवा रात्रि के समय मंद अथवा शीघ्र हो जाती है। जिस अयन में सूर्य देव की गति दिन के समय मंद होती है उसमें रात्रि के समय शीघ्र होती है, तथा जिस समय रात्रि काल में शीघ्र होती है उस समय दिन में मंद हो जाती है। हे द्विज, भगवान सूर्य को सदा एक बराबर मार्ग ही पार करना पड़ता है।
एक दिन रात्रि में यह समस्त राशियों को भोग कर लेते हैं। सूर्य दिन छह राशियों को रात्रि के समय भोगते हैं और छह राशियों को दिन के समय। राशियों के परिमाण अनुसार ही दिन का बढ़ना घटना होता है तथा रात्रि की लघुता दीर्घता भी राशियों के परिमाण से ही होती है। राशियों के भोगानुसार ही दिन अथवा रात्रि की लघुता अथवा दीर्घता होती है। उत्तरायण में सूर्य देव की गति रात्रि काल में शुभ्र हो जाती है तथा दिन में मंद। दक्षिणायन में उनकी गति इसके विपरीत होती है। रात्रि उषा कहलाती है तथा दिन प्रभात कहा जाता है। इन उषा तथा वृष्टि के बीच के समय को संध्या कहते हैं। इस अति दारुण और भयानक संध्या काल के उपस्थित होने पर मंदेहा नामक भयंकर राक्षसगण सूर्य को खाना चाहते हैं। हे मैत्रेय, उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण मुक्त प्रति हो। अतः संध्या काल में उनका सूर्य देव से अति भीषण युद्ध होता है। हे महामुनि, उस समय द्विजोत्म गण को जो ब्रह्म स्वरूप ओंकार तथा गायत्री से अभिमंत्रित जल छोड़ते हैं, उन वज्र स्वरूप जल से वे दुष्ट राक्षस दग्ध हो जाते हैं। अग्निहोत्र में जो सूर्य ज्योति ही इत्यादि मंत्र से प्रथम आहुति दी जाती है, उससे सहस्त्रांशु दीननाथ देदीप्यमान हो जाते हैं। ओंकार विश्व तेजस और प्राज्ञ रूप तीनों धर्मों से युक्त भगवान विष्णु हैं तथा संपूर्ण वाणियों अर्थात वेदों के अधिपति हैं। उनके उच्चारण मात्र से ही वे राक्षसगण नष्ट हो जाते हैं। सूर्यदेव भगवान विष्णु के अति श्रेष्ठ अंश और विकार रहित अंतर ज्योति स्वरूप है। ओंकार उनका वाचक है और वह उन्हें उन राक्षसों के वध में अत्यंत प्रेरित करने वाला है। उस ओंकार की प्रेरणा से अति प्रदीप्त होकर वह ज्योति मंदेहा नामक संपूर्ण पापी राक्षसों को दग्ध कर देती है। इसीलिए संध्योपासन कर्म का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। जो पुरुष संध्योपासना नहीं करता वह भगवान सूर्य का घात करता है। तदंतर उन राक्षसों का वध करने के पश्चात भगवान सूर्य संसार के पालन में प्रवृत्त होकर बाल खिल्ले आदि ब्राह्मणों से सुरक्षित होकर गमन करते हैं। 15 निमेश की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला गिनी जाती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों के संपूर्ण रात्रि दिन होते हैं। दिनों का ह्रास अथवा वृद्धि क्रमशः प्रातः काल मध्यान काल आदि दिवसांशों के ह्रास वृद्धि के कारण होते हैं, किंतु दिनों के घटते बढ़ते रहने पर भी संध्या सर्वदा समान भाव से एक मुहूर्त की ही होती है। उदय से लेकर सूर्य की 3 मुहूर्त की गति के काल को प्रातः काल कहते हैं। यह संपूर्ण दिन का 5वां भाग होता है। इस प्रातः काल के अनंतर 3 मुहूर्त का समय संगम कहलाता है तथा संगम काल के पश्चात 3 मुहूर्त का मध्याह्न होता है। मध्याह्न काल से पीछे का समय अपराह्न कहलाता है। इस काल भाग को भी बुद्धजन 3 मुहूर्त का ही बताते हैं। अपराह्न के बीतने पर सायहन आता है। इस प्रकार संपूर्ण दिन में 15 मुहूर्त और प्रत्येक दिवसांश में 3 मुहूर्त होते हैं। वैशुवत दिवस 15 मुहूर्त का होता है, किंतु उत्तरायण और दक्षिणायन में क्रमशः उसके वृद्धि और ह्रास होने लगते हैं। इस प्रकार उत्तरायण में दिन रात्रि का ग्रास करने लगता है और दक्षिणायन में रात्रि दिन का ग्रास करती रहती है। शरद और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य के तुला अथवा मेष राशि में जाने पर विषुव होता है। उस समय दिन और रात्रि समान होते हैं। सूर्य देव के कर्क राशि में उपस्थित होने पर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकर राशि पर आने से उत्तरायण कहलाता है। हे ब्राह्मण, मैंने जो 30 मुहूर्त के एक रात्रि दिन कहे हैं, ऐसे 15 रात्रि दिवस का एक पक्ष कहा जाता है।
दो पक्ष का एक मास होता है, दो सौर मास की एक ऋतु और तीन ऋतु का एक अयन होता है, तथा दो अयन ही मिलाकर एक वर्ष कहे जाते हैं। सौर, सावन, चांद्र तथा नक्षत्र इन चार प्रकार के मासों के अनुसार विविध रूप से कल्पित संवत्सर आदि पांच प्रकार के वर्ष युग कहलाते हैं। यह युग ही मल मास आदि सब प्रकार के काल निर्णय का कारण कहा जाता है। उनमें पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इद्वत्सर, चौथा अनुवत्सर और पांचवा वत्सर है। यह काल युग नाम से विख्यात है। श्वेत वर्ष के उत्तर में जो श्रृंगवान नाम से विख्यात पर्वत है, उसके तीन श्रृंग हैं, जिनके कारण यह श्रृंगवान कहा जाता है। उनमें से एक श्रृंग उत्तर में, एक दक्षिण में तथा एक मध्य में है। मध्य श्रृंग ही वैशुवत है। शरत और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य इस वैशुवत श्रृंग पर आते हैं। अतः हे मैत्रेय, मेष अथवा तुला राशि के आरंभ में तिमिरा पहाड़ी सूर्यदेव विषुवत पर स्थित होकर दिन और रात्रि को समान परिमाण कर देते हैं। उस समय ये दोनों पंद्रह पंद्रह मुहूर्त के होते हैं। हे मुनि, जिस समय सूर्यदेव कृतिका नक्षत्र के प्रथम भाग अर्थात मेष राशि के अंत में तथा चंद्रमा निश्चय ही विशाखा के चतुर्थांश अर्थात वृश्चिक के आरंभ में हो, अथवा जिस समय सूर्य विशाखा के तृतीय भाग अर्थात तुला के अंतिमांश का भोग करते हैं और चंद्रमा कृतिका के प्रथम भाग अर्थात निशांत में स्थित जान पड़े, तभी यह विषुव नामक अति पवित्र काल कहा जाता है। इस समय देवता, ब्राह्मण और पितृगण के उद्देश्य से संयत चित होकर दानादि देने चाहिए। यह समय दान ग्रहण के लिए मानो देवताओं के खुले हुए मुख के समान है। अतः विषुव काल में दान करने वाला मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। याज्ञादि के काल निर्णय के लिए दिन रात्रि पक्ष कला काष्ठा और क्षण आदि का विषय भली प्रकार जानना चाहिए। राका और अनुमति दो प्रकार की पूर्णमासी तथा सिनी वाली और कोहू दो प्रकार की अमावस्या होती है। माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख तथा ज्येष्ठ आषाढ़ ये छह मास उत्तरायण होते हैं और श्रावण, भद्र, आश्विन, कार्तिक तथा अगहन, पोष ये छह दक्षिणायन कहलाते हैं। मैंने पहले तुमसे जिस लोकालोक पर्वत का वर्णन किया है, उसी पर चार व्रतशील लोकपाल निवास करते हैं। हे द्विज, सुधामा, कदम के पुत्र शंखपाद और हृणयारोमा तथा केतुमान ये चारों निर्द्वंद, निराभिमान, निरालस्य और निष्परिग्रह लोकपाल गण लोकालोक पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित हैं, जो अगस्त्य के उत्तर तथा अजवीथी के दक्षिण में वैश्वानर मार्ग से भिन्न अर्थात मृगवीथी नामक मार्ग है, वही पित्रायन पथ है। उस पित्रायन मार्ग में महात्मा मुनिजन रहते हैं, जो लोग अग्निहोत्री होकर प्राणियों की उत्पत्ति के आरंभक ब्रह्म वेद की स्तुति करते हुए यज्ञ अनुष्ठान के लिए उद्गत हो कर्म का आरंभ करते हैं, वह पितृयान उनका दक्षिण मार्ग है। वे युग युगांतर में विच्छिन्न हुए वैदिक धर्म की संतान तपस्या वर्णाश्रम मर्यादा और विविध शास्त्रों के द्वारा पुनः स्थापना करते हैं। पूर्वतन धर्म प्रवर्तक ही अपनी उत्तरकालीन संतान के यहाँ उत्पन्न होते हैं और फिर उत्तरकालीन धर्म प्रचारक गण अपने यहाँ संतान रूप से उत्पन्न हुए अपने पितृगण के कुलों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार वे व्रतशील महर्षि गण चंद्रमा और तारा गण की स्थिति पर्यंत सूर्य देव के दक्षिण मार्ग में पुनः पुनः आते जाते रहते हैं। नागवीथी के उत्तर और सप्तऋषियों के दक्षिण में जो सूर्य का उत्तरीय मार्ग है, उसे देवयान मार्ग कहते हैं। उसमें जो प्रसिद्ध निर्मल स्वभाव और जितेंद्रिय ब्रह्मचारी गण निवास करते हैं, वे संतान की इच्छा नहीं करते, अतः उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है।
सूर्य के उत्तर मार्ग में 80,000 उधर्वरेता मुनिगण प्रलय काल पर्यंत निवास करते हैं। उन्होंने लोभ के असंयोग, मैथुन के त्याग, इच्छा और द्वेष की अप्रवृत्ति, कर्मानुष्ठान के त्याग, काम वासना के असंयोग और शब्द आदि के विषयों के दोष दर्शन इत्यादि कारणों से शुद्ध चित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली है। भूतों के प्रलय पर्यंत स्थिर रहने को ही अमरता कहती है। त्रिलोकी की स्थिति तक के इस काल को ही अपुण्य मार्ग अर्थात पुण्य मृत्यु रहित कहा जाता है। हे द्विज, ब्रह्म हत्या और अश्वमेध यज्ञ से जो पाप और पुण्य होते हैं उनका फल प्रलय पर्यंत कहा गया है। हे मैत्रेय, जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित है, पृथ्वी से लेकर उस प्रदेश पर्यंत संपूर्ण देश प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं। सप्त ऋषियों से उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जहाँ ध्रुव स्थित है वह अति तेजोमय स्थान ही आकाश में भगवान विष्णु का तीसरा दिव्य धाम है। हे विप्र, पुण्य पाप के क्षीण हो जाने पर दोष पंक शून्य संयातात्मा मुनि जनों का यही परम स्थान है। पाप पुण्य के निवृत्त हो जाने तथा देह प्राप्ति के संपूर्ण कारणों के नष्ट हो जाने पर प्राणी गण जिस स्थान पर जाकर फिर शोक नहीं करते वही भगवान विष्णु का परम पद है। जहाँ भगवान के समान ऐश्वर्यता से प्राप्त हुए योग द्वारा सत्तेज होकर धर्म और ध्रुव आदि लोक साक्षी गण निवास करते हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे मैत्रेय जी, जिसमें यह भूत भविष्यत और वर्तमान चराचर जगत ओत प्रोत हो रहा है वही भगवान विष्णु का परम पद है। जो तल्लीन योगी जनों को आकाश मंडल में दे दीप्यमान सूर्य के समान सबके प्रकाशक रूप से प्रतीत होता है तथा जिसका विवेक ज्ञान से ही प्रत्यक्ष होता है वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे द्विज, उस विष्णु पद में ही सबके आधारभूत परम तेजस्वी ध्रुव स्थित है तथा ध्रुव जी में समस्त नक्षत्र, नक्षत्रों में मेघ और मेघों में वृष्टि आश्रित है। हे महामुनि, इस वृष्टि से ही समस्त सृष्टि का पोषण और संपूर्ण देव मनुष्य आदि प्राणियों की पुष्टि होती है। तदंतर गौ आदि प्राणियों से उत्पन्न दुग्ध और घृत आदि की आहुतियों से परितुष्ट अग्नि देव ही प्राणियों की स्थिति के लिए पुनः वृष्टि के कारण होते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु का यह निर्मल तृतीय लोक ध्रुव ही त्रिलोकी का आधारभूत और वृष्टि का आदि कारण है। हे ब्रह्मन, इस विष्णु पद से ही देवांगनाओं के अंगराग से पांडुर्वर्ण हुई सी सर्व पापापहारिणी श्री माँ गंगा जी उत्पन्न हुई है। भगवान विष्णु के वाम चरण कमल के अंगूठे के नख रूप स्त्रोत से निकली हुई उन माँ गंगा जी को ध्रुव दिन रात अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तदंतर जिनके जल में खड़े होकर प्राणायाम परायण सप्त ऋषि गण उनकी तरंग भंगी से जटा कलाप के कंपायमान होते हुए अधम अर्षण मंत्र का जप करते हैं तथा जिनके विस्तृत जल समूह से आप लावित होकर चंद्र मंडल क्षय के अनंतर पुनः पहले से भी अधिक कांति धारण करता है वे श्री गंगा जी चंद्र मंडल से निकलकर मेरु पर्वत के ऊपर गिरती हैं और संसार को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में जाती हैं। चारों दिशाओं में जाने से वे एक ही सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा इन चार भेदों वाली हो जाती हैं, जिनके अलकनंदा नामक दक्षिणीय भेद को भगवान शंकर ने अत्यंत प्रीति पूर्वक 100 वर्ष से भी अधिक अपने मस्तक पर धारण किया था जिसमें श्री भगवान शंकर के जटा कलाप से निकलकर पापी सगर पुत्रों के अस्थि चूर्ण को आप्लावित कर उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया। हे मैत्रेय, जिनके जल में स्नान करने से शीघ्र ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके प्रवाह में पुत्रों द्वारा पुत्रों के लिए श्रद्धा पूर्वक किया हुआ एक दिन का भी तर्पण उन्हें 100 वर्ष तक दुर्लभ तृप्ति देता है। हे द्विज, जिनके तट पर राजाओं ने महायज्ञों से यज्ञेश्वर भगवान
पुरुषोत्तम का यजन करके यह लोक और स्वर्गलोक में परम सिद्धि लाभ की है, जिसके जल में स्नान करने से निष्पाप हुए यती जनों ने भगवान केशव में चित्त लगाकर अति उत्तम निर्वाण पद प्राप्त किया है। जो अपना श्रवण, इच्छा, दर्शन, स्पर्श, जलपान, स्नान तथा यशोगान करने से ही नित्य प्रति प्राणियों को पवित्र करती रहती है तथा जिनका गंगा गंगा ऐसा नाम 100 योजन की दूरी से भी उच्चारण किए जाने पर जीव के 3 जन्मों के संचित पापों को नष्ट कर देता है, त्रिलोकी को पवित्र करने में समर्थ वह माँ गंगा जिनसे उत्पन्न हुई है वही भगवान का तीसरा परम पद है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 2 अंश में 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।